are thankful to Dr. Ved Rajam. And I remember what mistake I have done in USA. When I want to call his name, then I said Ved Rajam. Then everyone was laughing. So I said, you are discussing chronology, so Ved should be the first word in your name. And एक हमारे सभा में वेद वीर जी बैठे हुए हैं तो जो वेद के नामधारी लोग हैं तो वेद तो उनको आता ही है और आज प्रारंभ में पहला वक्तव्य आपका था वो भी इसी विषय के थोड़ा आसपास था और आपका भी वही है दूसरी बात जो आपके लेक्चर के बाद मुझे याद समझ आ रही है कि हमारे जो प्रारंभ हुआ था कल परसों उद्घाटन हुआ था उसमें ऋषि राज खड़े होंगे इन्होंने साम गान ही प्रस्तुत किया था और अभी आपने ये सिद्ध किया कि साम गान से ही पूरा म्यूजिक निकला है तो ये सचमुच में आपका एड्रेस एक वैलिडिक्टरी एड्रेस था इट वॉज ए कंक्लूडिंग एड्रेस सो टू शो दैट ऑल थिंग्स ऑफ प्रेजेंट एरा और सोर्स ऑफ नॉलेज आर कमिंग फ्रॉम वेदास और अभी इसी संदर्भ में हम एक छोटा सा दो मिनट का कार्यक्रम करेंगे वो है बुक रिलीज का कार्यक्रम और बुक का नाम भी है वैदिक चिंतन की धाराएं जो वेद से ज्ञान की धाराएं तो निकलती हैं और इस पुस्तक को जो कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारे इस तीन दिन के कॉन्फ्रेंस से भी इसका संबंध है उसके लेखक हैं आदरणीय डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा जी मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ आपकी बुक रिलीज होगी वैदिक चिंतन की धाराएं और डॉक्टर जीत राम भट्ट डॉक्टर भूदेव शर्मा जी डॉक्टर राम गोपाल डॉक्टर वेद राजम राजवेकर एंड शशि प्रभा कुमार जी आप लोग इसको करेंगे डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा जी वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं और कम से कम 20-22 सालों से जब से वेद बना है आप उसके कार्यकारिणी सदस्य भी हैं एकेडमी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं जीतराम भट्ट जी जो सचिव हैं उनको अभी निकल जाना था लेकिन उनकी पुस्तक का विमोचन के लिए आप रुक गए उसके लिए अभी आपको धन्यवाद और अब आप लोग अपना स्थान ले सकते आप लोग प्लीज बैठिए ये समापन की वेला है इसमें थोड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और अभी दूसरी अच्छी बात ये होनी है कि जितने पेपर हम लोग इधर पढ़ रहे थे इस कमरे में और कॉन्फ्रेंस रूम में उससे ज़्यादा ही कुछ पेपर लेक्चर रूम जो IGNCA का है बिल्डिंग उधर वाली लाल बिल्डिंग में उसमें बच्चे कहना चाहिए मैं कह सकती हूँ लेकिन वो यूथ स्कॉलर्स उनको कहा गया है उनके पेपर्स पढ़े जा रहे थे और वो एक बड़ा लंबा कार्यक्रम था तीन दिन कंटिन्यूअस वो सेशन चलते रहे उनमें बहुत गंभीरतापूर्वक न्यायप्रियता के साथ
जो जजेस थे उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी, डॉक्टर पंकज मिश्रा जी, डॉक्टर धर्मा और डॉक्टर अंजू सेठ, ये तीन लोग जजमेंट कर रहे थे जिसका आधार था राइटिंग और प्रेजेंटेशन। डॉक्टर धर्मा एक्स फैकल्टी हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज की, दिल्ली यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अंजू सेठ संस्कृत विभाग सत्यवती कॉलेज में हैं।